गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इज माय वॉइस क्लियर टू यू? यस मैम, यस मैम। चलो, सो एज यू नो लास्ट टाइम वी हैव रेड इंग्लिश लिटरेचर, है ना? यस मैम। तो निकाल लीजिए। मैं निकाल ले रही। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाइए। यस मैम। मैम सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ओरछा पढ़ लिया था, है ना? यस मैम। खजुराहो पढ़ना था। चलो सो स्टार्ट करिए। कौन पढ़ेगा? मैं करूं? बिल्कुल पढ़िए। खजाव इज अ लॉन्ग दैन विद अ नंबर ऑफ हिंदूज एंड जस्ट टेम्पल दे आर मोर ऑफ अ टूरिस्ट। Attraction them a pet one that then a religious then a one religious one that temple all curious for men that temple are carved tall from stone are so magnificent that Khajuraho have been noticed as one of the one of the mam ye tell rahi hai UNESCO ye UNESCO but ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मोस्ट ऑफ दीज टेम्पल विल विद इन इन द 10th एंड 11th सेंचुरी But by Chandela King. Chandela King on did the most famous in the Kendriya Mahadeva Temple. More temples are being excavated and it but the view some temple means to outside you then will the temple to no have expression in you take and how are how past undertaken and how undertake, we and how we enough our past history. चलो, very good. Now साक्षी, चलो अब आप रीड करो इसको। जैन बेटा, जैन टेम्पल। Jain temple. There are more of a tourist. Ma'am. हाँ बोलिए। मैम कौन से सब्जेक्ट पे आ रही हैं? ये वाली बुक है, दिख रही है?
यस मैम इंग्लिश टीचर हाँ पेज नंबर 16 खजुराहो मैम निकाल दी हाँ पढ़िए क्या बोल रही है अट्रैक्शन बेटा अट्रैक्शन आकर्षण देन आ रिलीजियस रिलीजियस धार्मिक रिलीजियस हाँ वन द टेंपल और कन्वर्ट कार हाँ फ्रॉम स्टोन हाँ आर सो मैग्निफिसेंट 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 दैट दैट खजुराहो हैज बीन नोटिफाइड एस वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी साइट Most of this temple very were built in the 10th and 11th century by Chandela King Of this, the most famous is the Kendriya Mahadeva Temple. More temples are being excavated का मतलब होता है बच्चों खुदाई करना जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको जमीन के अंदर से कई सारी चीजों को खोद कर निकाला गया है ना तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है जिनको एक्सकवेट किया गया है मतलब खोद कर खुदाई करके निकाला गया है आगे एंड इट इज वर्थ विजिट Such temples being dug out, you come visit this temple to know who know how excavation. In is an honor and honor are past faster dalia fine चलो ना शिवान वर्मा मैम ये क्या करवानी है बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की बुक का ये वाली बुक का चैप्टर नंबर 3 क्या करवानी है पेज नंबर 16 पर आइए मिल गया पेज नंबर 16 उस पे खजुराहो लिखा है हाँ
रीड करिए उसको खजुराहो से शिवांग with a number of temple. There are many of the more of a tourist attraction than a religious one. The temples. कहाँ पढ़ रहे हो शिवांश? कौन पढ़ रहा है? मैम मैं नंदनी पढ़ रही हूँ। नंदनी आप पढ़ रही हो? यस मैम। शिवांश को कहा था पढ़ने के लिए बेटा? मैम आपने हमको नंदनी बुक है आपके पास? यस मैम। हाँ तो द टेम्पल्स पे आओ। द टेम्पल्स लिखा हुआ है। फोर्थ और फिफ्थ लाइन में देखो, खजुराहो के फोर्थ और फिफ्थ लाइन में द टेम्पल्स लिखा है। द टेम्पल यहाँ पर ये खजुराहो लिखा है। खजुराहो यस मैम। हाँ इसकी फोर्थ लाइन पे आओ। द टेम्पल मिला। द टेम्पल और गार्डन फ्रॉम शोन आर सो मस्क्यू मैग्निफिसेंट दैट खजुराहो हैज बीन नोटिफाइड as one of the UNESCO World Heritage Site, ठीक है? Yes ma'am। हाँ चलो अब शिवांश इसके आगे से आप पढ़ो। शिवांश वर्मा साइट के आगे से पढ़िए। रीड इट अलाउड। शिवांश बेटा रिप्लाई करिए। शिवांश पढ़िए। बुक नहीं है। नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, बुक ले लीजिए बेटा। बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। रिया कुमारी चलो बेटा। मैम कहाँ से? मैम मोस्ट ऑफ दी Most of these temples were built in the आगे पढ़ो। 10th and
एंड 11th century by Chandela King. आगे क्या लिखा है? Of these हाँ the this the आगे most हाँ good famous as the king केंद्रीय टेंपल केंद्रीय महादेवा टेंपल गुड मॉर्निंग मैम उमंगराज गुड मॉर्निंग उमंग बुक निकाल लीजिए ये वाली अगर है तो मैम बुक नहीं है मैम टेंपल की बात कर रहे हैं टेंपल आर बीइंग एक्सकवेटेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकवेटेड कौन बताएगा अभी हमने बताई थी नंदनी साक्षी शिवांश डेग मतलब खुदाई करना वेरी गुड आर्यन एक्सकवेटेड के बाद लिखा है एंड आगे पढ़िए इट इज वर्थ टू हाँ विजिट हाँ सच टेम्पल टेम्पल बीइंग डग आउट यू कैन विजिट दीज टेम्पल टू No. How? Excavation is undertaken and how we On earth, हाँ, our past history, हाँ, चलो, अब कौन पढ़ेगा बच्चों? किसके पास बुक है? आर्यन यस मैम रूपाली पढ़ चलो बेटा स्टार्ट करो आर्यन हम खजुराहो से हाँ खजुराहो इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स विद अ नंबर ऑफ हिंदू and Jain temple. Very good. They are more of tourist attraction than a religious one. The temple are carved from stone also हाँ
magnificent. That magnificent. Magnificent बोलिए पहले, pronounce करिए उसको. Magnificent. हाँ. That खजुराहो has been notified as one of the UNESCO World Heritage Site. Most of these temples were built var. In the where नहीं, इसको वर बोलते हैं बेटा, was और वर वाला वर. Built in the tenth and man whole and 11th century by नंदिनी. क्या बोल रही हो, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, माइक पे बोलो. मैम ये ब्लैक बोर्ड पे आपने सेंटेंस करवाई है? नहीं बेटा, ये वर्ड मीनिंग है, इसका एक सेंटेंस हम करा देंगे, ठीक है? इसका बनाना है मैम? नहीं, हम बना देंगे. ये जो हार्ड वर्ड्स है वो है, ये हार्ड वर्ड्स है, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा हार्ड वर्ड्स की तरह सारे बच्चे. बच्चों आप लोगों को एक बात पता है कि नहीं, कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये वीडियो YouTube पर जाता है, पता है कि नहीं आप सबको? Yes, पता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम बोर्ड पर लिखा रहे हैं, जो आप अभी पढ़ रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, तो उसको वीडियो में जाकर देख कर लिख लेना है, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. और ये हार्ड वर्ड्स लिख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग आपको कल होमवर्क मिली थी ना साक्षी? होमवर्क मिला था कल वर्ड मीनिंग वाला? यस मैम. बोर्ड पर कराए थे वर्ड मीनिंग? यस मैम. यस मैम. हाँ बस, तो उसको कर लीजिएगा और ये हार्ड वर्ड्स की तरह इसको कर लीजिएगा. सारे बच्चे ध्यान से सुन ले, ये हार्ड वर्ड्स करने हैं कॉपी में. ओके ओके मैम. चलो, तो कहाँ तक हुआ था आर्यन? चंदेला की. हाँ, चंदेला टेम्पल किंग ऑफ दी इज द मोस्ट. हाँ मैम. केंद्रीय महादेवा टेम्पल. हाँ, मोर टेम्पल आर बीइंग एक्सकवेटेड एंड इट इज वन टू विजिट सच टेम्पल dug out. You can visit this temple to know how excavation is undertaken. How we honor our past history. Good. चलो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है? क्या हुआ बोलो मैम? हाँ मैम, जो जैसे अनर्थ लिखा है उसके आगे जो मीनिंग लिखी है उसके उसको भी लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा, हार्ड वर्ड में आप सिर्फ हार्ड वर्ड लिखोगे, मीनिंग आप रफ कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको इसकी मीनिंग याद रहे. वर्ड मीनिंग तो हमने कराई है ना? यस मैम. और बच्चों, अगर आप लोग मोबाइल से क्लासेस कर रहे हो तो जब आपको कुछ बोलना रहता है तो थोड़ा सा माइक के पास आकर बोला करो, ठीक है? क्योंकि आपकी आवाज कोई पढ़ता रहता है या हम बताते रहते तो वो सुनाई नहीं देता है, कि कोई क्वेश्चन करोगे तो सुनाई नहीं देगा, ठीक है? और अगर ईयरफोन यूज करे तो ईयरफोन में एक माइक होता है यहाँ पर, दिखता है ना?
उसको यूज करके कोई क्वेश्चन किया करो, ठीक है? अब इसको देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो खजुराहो, खजुराहो एक जगह है बुंदेलखंड में कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? So let's start. Khajuraho is a large complex with a number of Hindu and Jain temples. ठीक है? तो खजुराहो के अंदर ढेर सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स है। एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पल बच्चों? मतलब जिसमें मैम पूजा करते हैं मैम। मंदिर, करेक्ट, मंदिर, यहाँ पूजा करते हैं मंदिर। तो खजुराहो में ढेर सारे मंदिर हैं, ठीक है? दे आर मोर ऑफ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट कौन होते हैं? जो मेहमान होते हैं, जो घूमने आते हैं ना, पर्यटक। सो अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो जब खजुराहो में इतने सारे मंदिर हैं, तो ढेर सारे पर्यटक लोग, टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं। जैसे अब आप अगर आगरा जाओ, बनारस जाओ, तो आप क्या रहोगे? वहां के टूरिस्ट रहोगे, है ना? घूमने के लिए अगर जा रहे हो तो। सो द टेम्पल्स आर कार्व फ्रॉम स्टोन। और जो टेम्पल्स हैं उनको कार्व किया गया, कार्व मतलब डिजाइन किया गया है, बनाया गया है किस पर? स्टोन पर, पत्थर पर, है ना? आर सो मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने कराया है एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर देने वाला, एकदम खुश कर देने वाला। सो वहां के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं, एकदम इम्प्रेसिव है। दैट खजुराहो हैज बीन नोटिफाइड, और इतना ज्यादा सुंदर है कि उसको नोटिफाइड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। यूनेस्को एक वर्ल्ड वाइड संस्था है जिसमें जो जो सुंदर सुंदर जगह है उनका नाम है। सो खजुराहो का भी उसके अंदर नाम दर्ज है क्योंकि वो इतना मैग्निफिसेंट है। मोस्ट ऑफ दीज टेम्पल्स वर बिल्ट इन द 10th एंड 11th सेंचुरी। और ज्यादातर ये जो मंदिर है बच्चों, ये कब बनाए गए हैं? 10th और 11th सेंचुरी में, है ना? 10वीं और 11वीं सेंचुरी में, मतलब बहुत साल पहले। किसने बनवाए हैं? बाय चंदेला किंग्स। किसने बनवाए बच्चों? चंदेला किंग्स ने, है ना, चंदेला राजाओं ने। ऑफ दीज द मोस्ट फेमस इज द केंद्रीय महादेवा टेम्पल। और इसमें सबसे ज्यादा फेमस, मतलब सबसे ज्यादा जाना माना मंदिर कौन सा है बताइए? कौन सा टेम्पल है सबसे ज्यादा फेमस? खजुराहो बेटा, महादेवा टेम्पल। महादेवा टेम्पल, महादेवा टेम्पल। कॉन्सेंट्रेट हियर बच्चों, आपका फोकस आपकी क्लास में होना चाहिए। ओनली 30-40 मिनट्स की क्लास होती है, तो उसमें भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो। More temples are being excavated and it is worth to visit. और बहुत सारे temples को dig करके, excavate करके, खुदाई करके ढूंढा गया है और worth है ये सब घूमना। worth है, worth का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब एकदम काम का है, एकदम मजेदार जगह है, आपको वहां पर जाकर पछतावा नहीं होगा। Worth to visit मतलब घूमने लायक है। Such temples being dug out, और इतने अच्छे अच्छे temples को निकाला गया है खोदकर। You can visit these temples to know how excavation is undertaken. और आप इन temples को visit कर सकते हैं, यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से पुरानी history को, मतलब जिस समय लोग रहते थे, जिस समय राजा चंदेला राजा और बहुत पुराने पुराने लोग रहते थे, जो सारी चीजें धरती के अंदर चली गई थी। आपको पता है बच्चों कि पहले सतयुग था, है ना, बहुत सारे भगवान रहते थे, कृष्ण जी, श्री राम जी,
इन सब का युग था। आपको पता होना चाहिए कृष्ण जी कहाँ रहते थे, किसको पता है बताइए, श्री कृष्ण जी कहाँ रहते थे? बताइए, मथुरा में, मथुरा में रहते थे ना? हाँ। सो जब उनका जब समय गया, जो कृष्ण जी का समय, जो उनका काल था वो चला गया, तो उनका पूरा जो किंगडम था, कृष्ण जी ने पूरा अपना एक एरिया बनवाया था, पूरा अपना एक शहर बसाया था जिसका नाम था मथुरा। उन्होंने पूरी दीवारें, गेट, घरों को बनवाया था, पुल बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। और जब उनका समय एंड हुआ तो श्री कृष्ण जी के साथ साथ वो जो पूरा मथुरा शहर था वो पानी के अंदर चला गया। आपको पता है ये बात? तो इसी तरह से जैसे ये खजुराहो के टेम्पल्स है, ये जमीन के अंदर चले गए, है ना? ऐसा बहुत सारा, जैसे आपको पता है डायनासोर्स भी जमीन के अंदर चले गए, पता है कि नहीं? पहले डायनासोर्स भी तो हुआ करते थे। तो इसी तरह से चीजें बहुत ज्यादा इवेल्युएट हुई है, बहुत ज्यादा चीजें डेवलप हुई है। जो पुरानी चीजें थी वो कभी पानी के अंदर, कभी जमीन के अंदर। तो अगर आप खजुराहो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सप्लोरेशन कैसे किया जाता है, कैसे खुदाई करके हिस्ट्री को खोजा जाता है। आपने देखा होगा टीवी में जो हिस्टोरियंस होते हैं वो डिगिंग करके पानी के अंदर जाकर पुरानी पुरानी चीजें निकाल कर लाते हैं, मूर्तियां और पुराने पुराने गहने और कभी कभी तो स्केलेटन्स, है ना, ये सब चीजें निकालते हैं। तो इन सब जगहों पर जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री कैसे क्रिएट होती है, कैसे चीजों को सर्च किया जाता है एक्सकोवेट करके, है ना? चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, ओके? मैम, ये अभी माइक में बोलो नंदिनी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम ये अभी हम लोग लिख रहे हैं मैम, वो थोड़ा सा मैम साइड हट जाइए, देख लें हम लोग लिख लेना है। साइड हम हट जाएंगे, टाइम ओवर हो चुका है। आपको हमने बताया है कि ये यूट्यूब पर वीडियो जाता है बेटा, यूट्यूब से भी आप लिख सकते हैं इसको। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यस मैम। चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर मैम। Thank you, thank you, ma'am. Thank you all.